वही सबसे पहले ना कैमरे का बटन ऑन कर लेगा जैसे ग्रीन लाइट जलती है, ठीक है। फिर ये वाला फोटो डिजिटाइजर ऑन करेगा, ऑन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे हट जाएगा। फिर यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन दे रहा होगा, कैप्चर का ऑप्शन देने के बाद आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपका खुल जाएगा कैमरा, ठीक है। फिर यहाँ पे जूम वगैरह नहीं कर सकते आप, ये इसकी बाउंड्री वगैरह अपनी टेबल वगैरह सेट कर लेगा, पीछे फैब्रिक ब्लैक कलर का बिछा देगा और पैटर्न सेट कर लेगा। सेट करने के बाद यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक कर देगा। अभी इंटरनेट मांग रहा है ये मुझसे, मेरे पास इंटरनेट है नहीं, ठीक है, और इंटरनेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और सेटिंग बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे सेटिंग पे जाएगा, सेटिंग पे जाने के बाद ना ये वाले ऑप्शन पे जाने के बाद, ये वाला नहीं एंड वाला, ठीक है, ये कलर वाला ऑप्शन आ गया कलर, इस पर आप ब्लैक कर देगा, ठीक है। ये वाइट पे हुआ हो अगर हो ना तो ब्लैक पे कर देगा, ओके कर देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपकी पिक्चर आ जाएगी तो इस तरह आएगी, आपकी पिक्चर दिखाता हूँ मैं, इस तरह आएगी। यहाँ से आप पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें ये फोल्डर आ जाएगा ना, रीलोड का फोल्डर आएगा ये वाला। लोकल पिक्चर्स पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे पिक्चर वगैरह मिल जाएगी अपनी, जिस फोल्डर में आपने सेव किया होगा वहाँ पे करके, जैसे एक पिक्चर ऑन कर लेगा, ऑन करने के बाद यहाँ पे प्ले का बटन दिया हुआ है, प्ले पे क्लिक करेगा, यहाँ पे स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद ना सिलेक्ट करके सारे पैटर्न मतलब एक एक करके यहाँ पे नाम लिख देगा कोने पे, इस तरफ नाम लिख देगा। नाम लिखने के बाद यहाँ पे सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेगा, ये कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट, सही है। सेव करने के बाद यहाँ पे कोने पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन पे जाएगा नीचे एक्सपोर्ट, ये तो आता ही होगा ना आपको, एक्सपोर्ट फिर गड़बड़ सेव करके वो जिप फाइल बन जाएगी उसकी, ठीक है।